खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त देश में जिस एक मुद्दे पर हंगामा मचा है उसके बाद सवाल है कि क्या उसने बीजेपी को बैकफुट पर आने को मजबूर किया है। पीएम एनआरसी लाने की खबरों को गलत बता चुके हैं और सीएए पर कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए कांग्रेस नेताओं के पुराने बयान को ढाल बना रहे हैं। दिल्ली की मेगा रैली में मोदी ने मनमोहन सिंह से लेकर महात्मा गांधी तक का जिक्र किया और कांग्रेस नेताओं से सवाल पूछे, तो सवाल है कि क्या नागरिकता कानून कांग्रेस के एजेंडे में भी था? नए नागरिकता कानून और एनआरसी पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, अपने अपने तरीके से वार पलटवार जारी है। लेकिन कुछ साल पहले तक यही ममता दीदी संसद के अंदर स्पीकर के सामने कागज फेंकती थी बांग्लादेशियों के खिलाफ। मनमोहन सिंह जी ने कहा अगर वो मोदी करता है तो मोदी गुनहगार बन जाता है क्या? गहलोत तब वो मांग करते थे कि जो हिंदू या सिख पाकिस्तान से भागकर यहां आए हैं उनकी स्थिति सुधारे जाए। देश के गुस्से के बाद पीएम मोदी ने एनआरसी लाने की खबरों को खारिज कर दिया और सीए पर होने वाली हिंसा का ठीकरा विरोधियों के सिर फोड़ दिया। क्या चल रहा है मैं बताता हूं, ये कांग्रेस वालों ने और उसके साथियों ने चिक चिक करके बोला वो देखो कौवा कान काट कर उड़ गया, कौवा कान काट कर उड़ गया। और कुछ लोग कौवे के पीछे भागने लगे। अरे भाई पहले अपना कान तो देख लीजिए कि कौवा काट गया कि नहीं काट गया, कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाया जा रहा है। मोदी ने नाम ले लेकर विरोधियों पर निशाना साधा। पहला हमला ममता बनर्जी पर था क्योंकि ममता बनर्जी लगातार मोदी सरकार पर हमले कर रही है। बीजेपी छी 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 सीएबी छी 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 काका छी 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 क्या क्या छी 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 क्या क्या छी 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 बीजेपी छी छी जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सीएए और एनआरसी को लेकर ममता बनर्जी का अंदाज ही कुछ अलग है। शायरी से बीजेपी को चेतावनी दे रही है। मैं तो हर तरह कहती हूँ कुछ करके तो देखो, खुद ही को करो बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को करो बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी राजा क्या है। अरे भाई फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, ओ सम्मा क्या बुझे जिन्हें रोशन खुदा करे। याद रखना चाहिए आज क्या 5 साल क्षमता में रहने का बाद आप तैयार करेंगे कौन देश का सिटीजन है और कौन नहीं है। आप कौन है, आप कौन है? अगर हमारे माता जी का जन्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा तो आपको भी देना पड़ेगा। लगता है पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को बहुत ध्यान से सुना था, इसलिए दिल्ली की रैली में चुटीले अंदाज में ममता दीदी का सच देश के सामने रख दिया। कुछ साल पहले तक यही ममता दीदी संसद में खड़े होकर गुहार लगा रही थी कि बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को रोका जाए, वहां से आए पीड़ित शरणार्थियों की मदद की जाए, संसद के अंदर स्पीकर के सामने कागज फेंकती थी बांग्लादेशियों के खिलाफ। ममता बनर्जी के बाद पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस थी। उन्होंने मनमोहन सिंह का जिक्र किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज राजघाट पर धरने पर बैठे थे। उनके साथ सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी थे।
सबने नागरिकता कानून के नाम पर बीजेपी को संविधान का पाठ पढ़ाने की कोशिश की। आप रोजगार नहीं दे पाए, आप अर्थव्यवस्था को चला नहीं पाए, इसीलिए आप नफरत के पीछे छुप रहे हो, इसलिए आप देश को बांटने की कोशिश कर रहे हो। नरेंद्र मोदी जी बाहर आइए और हिंदुस्तान के युवाओं को बताइए उनको रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप। मनमोहन सिंह भी राजघाट से नागरिकता कानून का विरोध कर रहे थे, लेकिन कल पीएम मोदी ने उन्हीं के हवाले से इस कानून को जायज ठहराने की कोशिश की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी संसद में कहा था, खड़े होकर कहा था, उसकी वीडियो क्लिपिंग अवेलेबल है। उन्होंने कहा था कि हमें बांग्लादेश से आए उन लोगों को नागरिकता देनी चाहिए जिनका अपनी आस्था की वजह से वहां पर उत्पीड़न हो रहा हो, जो वहां से भाग करके भारत आ रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने कहा अगर वो मोदी करता है तो मोदी गुनहगार बन जाता है क्या? पीएम मोदी ने जिस बयान का जिक्र किया उसी को ट्वीट करके कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बताया कि मनमोहन सिंह के कहने का मतलब वो नहीं था जो मोदी ने बताया। After the partition of our countries, the minorities in countries like Bangladesh have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people, to seek refuge in our country, our approach to granting citizenship to these unfortunate persons should be most liberal. पीएम मोदी का हमला मनमोहन सिंह और ममता बनर्जी तक ही सीमित नहीं था, अशोक गहलोत का उदाहरण भी दिया। हालांकि अशोक गहलोत इस कानून के विरोध में मार्च करते नजर आए थे। गहलोत और पहले जब मुख्यमंत्री थे तब वो मांग करते थे कि जो हिंदू या सिख पाकिस्तान से भागकर यहां आए हैं उनकी स्थिति सुधारी जाए, लेकिन ये रातों रात बदल गए। वोट बैंक का खतरा लगने लगा, वो सारी हमदर्दी मेहरान हो आज उनके पेट का दर्द बन गई है। पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। बाड़मेर हमारा बॉर्डर राजस्थान का है, वहां से आते हैं शरणार्थी, आते हैं लोग, रहते हैं वहां पर। 99% शरणार्थी हिंदू होते हैं, सिख होते हैं। इसके लिए एक अधिकार दिया गया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, वो नागरिकता दे सकते हैं। मेरे वक्त में पुनः मांग उठी तो मैंने पत्र लिखा मिसेस पी चिदम्बरम साहब को, जो गृह मंत्री थे, कि पहले की तरह वापिस आप डीएम को अधिकार दे दीजिए जिससे जिनको सुविधाएं मिल जाए, और कुछ नहीं लिखा उसके अंदर। पीएम मोदी ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर यह कहते हुए अटैक किया कि गांधी सरनेम लगा लेने से सब कुछ नहीं हो जाता। मोदी ने गांधी जी का उदाहरण भी दिया। कम से कम ये लोग जो महात्मा गांधी को लेकर के देश पर बातें करते रहे और आज भी गांधी सरनेम का फायदा उठाने की बातें करते हैं, जरा वो कान खोल करके सुन लो। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख साथियों को जब लगे कि उन्हें भारत आना चाहिए तो उनका स्वागत है। क्या नेहरू और गांधी ने कहा था कि धर्म के आधार पर भेदभाव कीजिए? क्या उन्होंने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 4, 6 और 14 का उल्लंघन कीजिए? क्या उन्होंने कहा था कि संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है उसके प्रियम्बल का विरोध करिए और उसकी धज्जियां उड़ाइए? मुझे नहीं लगता कि किसी भी कांग्रेस के नेता ने ऐसा कहा हो। कांग्रेस इस बात का विरोध कर रही है कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और नागरिकता देने में हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, लेकिन आज कांग्रेस के हर नेता को इंदिरा गांधी की वो बात जरूर सुननी चाहिए जो उन्होंने 1971 में कही थी। इंदिरा गांधी इस बात के ही खिलाफ थी कि भारत शरणार्थियों को अपने देश में जगह दे।